स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 20, जिसमें आज हम सभी लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको संधि के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ दी जाएंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल के द्वारा हम संधि के बारे में समझेंगे। तो आइए हम इसको पढ़ना समझना शुरू करते हैं। यह मेरा विद्यालय है, यहाँ अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भी है। तो बच्चों, उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त मोटे छपे शब्दों को ध्यान से देखिए। ये सभी शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे विद्यालय, विद्यार्थी और पुस्तकालय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विद्यालय में दो शब्द हैं विद्या प्लस आलय, और विद्यार्थी में भी दो शब्द हैं विद्या प्लस अर्थी, और पुस्तकालय में भी दो शब्द हैं पुस्तक प्लस आलय। तो ये जो संधि होते हैं, इसमें जो दो शब्द मिलकर के नए शब्द बनाते हैं, इसमें दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। लेकिन अगर ये दोनों शब्द आपस में मिल करके संधि वाले शब्द बन जाते हैं, तो उनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विद्या में आ की मात्रा है, यहाँ पे आलय में आ है। इस तरह से आ प्लस आ मिलकर के बड़ा आ हुआ। और इसी तरह से दूसरा जो एग्जाम्पल विद्यार्थी है, इसमें विद्या में आ है यानी आ की मात्रा है, और अर्थी में छोटा आ है। इस तरह से बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर के आ हुआ। और पुस्तक प्लस आलय में पुस्तक, जैसा कि आपको पता है, जितने भी व्यंजन वर्ड होते हैं उसमें उन सभी व्यंजन वर्डों में स्वर का छोटा अ मिश्रित होता है यानी मिला होता है। तो इसमें क में से छोटा अ निकला और आलय का बड़ा आ, इस तरह से अ प्लस आ इसका भी बड़ा आ हुआ। यानी दोनों बड़ा आ है, या पहले बड़ा आ गया बाद में छोटा आया, या फिर पहले छोटा आया बाद में बड़ा आया, ये सभी जो है बड़ा आ ही होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विद्या और आलय ये दोनों शब्द आपस में मिले तो विद्यालय हो गया, यानी ध पे आ की मात्रा जो लगी थी यही था, प्लस लय जोड़ दिया गया। विद्यार्थी में आ जो है छोटा आ ये विलुप्त है, यहाँ पे विद्यार्थी में जो है आ की मात्रा ही दिख रही है। पुस्तकालय में क पे ये आ जो है ये आ की मात्रा बन गई, इस तरह से पुस्तकालय शब्द बना। तो यहाँ विद्या शब्द का अंतिम वर्ड आ तथा आलय शब्द का प्रथम वर्ड आ मिलकर के आ बना रहे हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी तथा पुस्तकालय शब्द में भी क्रमशः आ तथा अ से आ, यानी आ और अ मिलकर के बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बन गए, एवं छोटा अ और बड़ा आ से मिलकर के आ बन गया है। इसी परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। मतलब ये जो बदलाव है वर्णों का, इन्हीं वर्णों के बदलाव को ही संधि कहते हैं। तो इस प्रकार संधि की परिभाषा हुई। दो समीप स्थित, यानी जो जो है दो पास पास जो नजदीक जो है स्थित वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनके मेल से होने वाले, मतलब उनको मिलाने से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसी को संधि कहते हैं। और स्टूडेंट, यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि जो संधि होते हैं वो दो वर्णों में होते हैं, यानी दो वर्णों के मध्य जो है संधि होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, विद्या में आ की मात्रा है, आलय जो है आ है, इन दोनों आ को मिलाने से बड़ा आ हो गया। इस तरह से जो संधि होते हैं वो दो वर्णों के मेल से होते हैं, यानी दो वर्णों को आपस में मिलाने से ही संधि होता है। तो इस प्रकार आगे देखते हैं, संधि कुछ नियमों पर आधारित होती है। मतलब जो संधि शब्द होते हैं उनको जो है आपस में जोड़ने के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, तो उसी रूल पर ये जो है संधि के जो संधि शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा है, संधि के नियमों द्वारा जोड़े गए वर्णों को पुनः तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी जो संधि के रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, उन नियमों के द्वारा जो वर्णों को जोड़ करके शब्द बना दिए जाते हैं, तो अगर उन संधि वर्णों को पुनः तोड़ना है यानी उनको अलग अलग करना है, तो उसे ही संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना, और संधि का अर्थ होता है आपस में जोड़ना। तो इस तरह से जो संधि के नियम द्वारा अक्षरों को जोड़ा जाता है, तो उनको अगर अलग अलग कर दिया जाए तो उसे ही संधि विच्छेद कहा जाता है। अब आगे इसमें पढ़ते हैं, संधि के भेद, यानी संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अर्थात संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए इसमें बारी बारी से हम एक एक संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है नंबर 1 पे स्वर संधि। तो इसकी परिभाषा होगी,
दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात कोई भी एक शब्द है जो संधि शब्द है, यानी संधि के द्वारा दो अक्षरों को जोड़ा गया है, तो उसमें जो है दोनों जो अक्षर होंगे उन अक्षर पहले अक्षर का अंतिम वर्ण और दूसरे अक्षर का पहला वर्ण जो है वो स्वर होता है। तो इस प्रकार जब दो स्वर वाले अक्षर आपस में मिलते हैं तो उसमें उत्पन्न जो बदलाव उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। अब आगे स्वर संधि के भेद को देखते हैं। तो स्वर संधि जो है पांच प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अभी हम स्वर संधि को पढ़ रहे थे, अब आगे हम स्वर संधि के भेद को पढ़ेंगे। तो जो दो स्वरों को आपस में मिलाने से बदलाव उत्पन्न करते हैं उन्हें स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आइए हम क्रमशः इन संधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। जब हर्ष या दीर्घ, हर्ष मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो स्वर में हर्ष होता है छोटा अ, छोटी ई और बड़ा उ, और जो है दीर्घ होता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। तो आगे इसमें पढ़ लेते हैं। जब हर्ष या दीर्घ अ ई उ के पश्चात पुनः हर्ष या दीर्घ अ ई उ आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जो है कि किसी भी वर्ण में हर्ष या दीर्घ, तो हर्ष अगर होगा तो हर्ष में छोटा अ, छोटी ई और बड़ा उ होगा, अगर दीर्घ होगा तो दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर अ ई उ के बाद अ ई उ आ जाए, या फिर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ आ जाए, या फिर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ के पश्चात छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ आ जाए, तो दोनों वर्ण जो है वो आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़ा हो जाता है। जैसे आगे एग्जांपल में इसको समझेंगे हम। यहाँ पे एक शब्द है धर्मार्थ, सूर्यास्त, मतानुसार, चराचर, तो ये कुछ शब्द यहाँ पे हैं। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो धर्म प्लस अर्थ शब्द बनेगा, यानी धर्म में म में छोटा आ है प्लस अर्थ में छोटा आ है, तो ये दोनों छोटा आ मिलकर के आ हो गए, तो यहाँ पे शब्द बना धर्मार्थ। और दूसरा शब्द है सूर्यास्त, तो सूर्य प्लस अस्त, ये इसका संधि विच्छेद है, तो सूर्य में से य में छोटा आ है प्लस ये अस्त का छोटा आ, ये दोनों आ आपस में मिलके दीर्घ हो गए, यानी बड़ा बन गए, तो यहाँ पे आ की मात्रा हो गई। तो इस तरह से शब्द बना सूर्यास्त। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है मतानुसार। तो मतानुसार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, वर्णों को अलग अलग करेंगे, तो मत प्लस अनुसार हो जाएगा। तो मत में से तक में छोटा आ है प्लस अनुसार में छोटा आ, तो इस तरह से दोनों आ मिलकर के आपस में दीर्घ हो गए, यानी आ की मात्रा हो गए, तो यहाँ शब्द बना मतानुसार। नेक्स्ट शब्द है चराचर। तो चराचर का अगर हम विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा चर प्लस अचर। तो चर में र में छोटा अ है और अचर में अ, ये दोनों अ मिलकर के आपस में आ की मात्रा बन गए, तो यहाँ पे शब्द बना चराचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अ प्लस अ बराबर आ, यानी यहाँ पे जो संधि हुई है वो अ प्लस अ में हुई है, और जो ये दोनों छोटा अ जो है ये दोनों हर्ष हैं और ये दोनों आपस में मिलकर के आ यानी दीर्घ हो गए, बड़ा हो गए। तो इस तरह से ये पहला नियम है। अब इसमें आगे हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें छोटा अ प्लस बड़ा आ, यानी हर्ष अ प्लस दीर्घ आ बराबर आ, यानी ये भी दीर्घ है, यानी इसमें जो है, इसमें जो है ये जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, इन शब्दों में जो इसमें पहला जो वर्ड है, इस पहले अक्षर में जो है हर्ष का छोटा आ मिला हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी व्यंजन वर्ड होते हैं अगर उसमें कोई मात्रा नहीं लगी है तो उन व्यंजन वर्डों में छोटा आ मिला होता है, चाहे कोई भी वर्ड हो। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिम में माँ में कोई मात्रा है तो इसमें छोटा आ मिला है, उसी तरह इस इधर वाले शब्दों में सब में छोटा आ मिला हुआ है 10 शब्द तक, और इधर वाले जो शब्द है सब में बड़ा आ है, यानी इधर का जो स्वर है, जो शब्द है, सॉरी शब्द है, इन शब्दों में छोटा आ है यानी हर्ष आ है, और इधर वाले शब्दों में जो शुरुआत में है बड़ा आ है यानी दीर्घ है। इस तरह से छोटा अ और बड़ा अ मिलके दीर्घ हो गए। तो इसमें देख लेते हैं, हिमालय, हिमालय शब्द का अगर विक्षेप करेंगे तो इसमें शब्द बनेगा हिम प्लस आलय। तो म में से छोटा अ निकलेगा,
प्लस आलय में से बड़ा आ, यानी अ प्लस बड़ा आ मिलकर के दीर्घ हो गया, आ की मात्रा हो गई, तो शब्द बना ही मालय। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है सत्याग्रह। सत्याग्रह का अगर हम संधि विक्षेद करेंगे तो सत्य प्लस आग्रह ये विक्षेद बनेगा, ये शब्द होंगे, तो सत्य में से य में से छोटा अ निकलेगा और आग्रह में से आ का बड़ा आ है, यानी अ प्लस आ, यहाँ पे आ की मात्रा यानी दीर्घ हो गई, तो शब्द बना सत्याग्रह। नेक्स्ट शब्द है शुभारंभ। शुभारंभ का अगर हम संधि विक्षेद करेंगे तो शब्द बनेगा शुभ प्लस आरंभ। तो भ में जो है छोटा अ है और आरंभ में आ है, तो अ प्लस आ, ये छोटा अ और बड़ा आ मिलकर के दीर्घ हो गया, यानी आ की मात्रा बन गई, बड़ा हो गया, तो शब्द बना शुभारंभ। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट शब्द है दशानन। तो दशानन में अगर हम संधि विक्षेद करेंगे तो हमारे शब्द बनेंगे दस प्लस आनन। तो दश में से प्लस आ निकलेगा, यानी छोटा आ निकलेगा और आनन में से आ, इस तरह से छोटा आ प्लस आ मिलकर के यहाँ दीर्घ हो गया और शब्द बना दशानन। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें बड़ा आ प्लस छोटा अ बराबर बड़ा आ, इस तरह से इसमें देखेंगे हम। तो एग्जांपल है रेखांकित। तो रेखांकित का अगर संधि विच्छेद हम कर देंगे तो उसमें शब्द बनेंगे रेखा प्लस अंकित। तो रेखा में ख में से बड़ा आ निकलेगा, यानी आप देख सकते हैं बड़े की मात्रा है बड़ा आ की, तो इसमें से प्लस आ है यानी आ निकलेगा। उसके बाद अंकित में से छोटा अ निकलेगा, तो इस तरह से आ प्लस अ, तो ये दीर्घ हो गया, यहाँ पे आ की मात्रा हो गई, शब्द बना रेखांकित। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है परीक्षार्थी। तो परीक्षार्थी शब्द का अगर हम संधि विक्षेद करेंगे तो इसमें से शब्द बनेंगे परीक्षा प्लस अर्थी। तो परीक्षा में से आ की मात्रा निकलेगी, छ पे आ की मात्रा लगी, यानी बड़ा आ निकलेगा, प्लस अर्थी में से छोटा आ निकलेगा। तो इस तरह से बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर यहाँ पे दीर्घ हो गया है, यानी छ पे आ की मात्रा दीर्घ है, तो इस तरह से शब्द बनेंगे परीक्षार्थी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है यथार्थ। तो यथार्थ का अगर हम संधि विक्षेद करेंगे तो शब्द बनेंगे यथा प्लस अर्थ। तो यथा में थ पे आ की मात्रा यानी यहाँ पे बड़ा आ है और अर्थ में अ है, तो बड़ा आ प्लस अ बराबर यहाँ पे आ की मात्रा यानी दीर्घ हो गई, तो शब्द बना यथार्थ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है दीक्षांत। तो दीक्षांत का अगर हम संधि विक्षेद करेंगे तो इसमें शब्द बनेंगे दीक्षा प्लस अंत। तो दीक्षा में आ की मात्रा है और अंत में अ, यानी आ प्लस अ बराबर आ की मात्रा दीर्घ हो गई और शब्द बना दीक्षांत। तो इस तरह से स्टूडेंट इस वाले एग्जाम्पल में आ प्लस अ यानी बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर के बड़ा आ यानी दीर्घ हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर आ, यानी यहाँ पे जब संधि विच्छेद करके दोनों शब्द अलग अलग होंगे तो पहले वाले शब्द के अंत में बड़ा आ की मात्रा है और दूसरे वाले शब्द की शुरुआत में ही बड़ा आ है, इस तरह से दोनों बड़ा आ मिलकर के एक बड़ा आ बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे शब्द है दयानंद। अगर हम दयानंद शब्द का संधि विक्षेद करेंगे तो शब्द बनेंगे दया प्लस आनंद। तो दया में य पे आ की मात्रा है और आनंद में आ है, तो इस तरह से आ प्लस आ बराबर यहाँ पे आ की मात्रा हो गई दयानंद में, तो शब्द बने दयानंद। नेक्स्ट शब्द है महाशय। महाशय का अगर हम संधि विक्षेद करेंगे तो शब्द बनेंगे महा प्लस आशय। तो महा में ह पे आ की मात्रा है यानी आ है बड़ा आ है और आशय में बड़ा आ, इस तरह से आ प्लस आ, तो शब्द बने महाशय। नेक्स्ट हमारा शब्द है वार्तालाप। तो वार्तालाप का अगर हम संधि विक्षेद करेंगे तो हमारे शब्द बनेंगे वार्ता प्लस आलाप। तो इस तरह से वार्ता में आ की मात्रा है और आलाप में आ है शुरू में, तो इस तरह से आ प्लस आ यहाँ पे शब्द बन गए वार्तालाप, यानी यहाँ पे त पे आ जो है मात्रा हो गया दीर्घ। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है महात्मा। अब महात्मा शब्द को अगर हम संधि विक्षेद करेंगे तो शब्द बनेंगे महा प्लस आत्मा। तो महा में ह पे आ की मात्रा है और आत्मा में आ है, इस तरह से आ प्लस आ है, तो शब्द बनेंगे महात्मा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट ई प्लस ई, यानी दो छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन जाते हैं जो कि दीर्घ है, तो इसमें देख लेते एग्जाम्पल में शब्द है अतीव। अतीव का अगर हम संधि विक्षेद करेंगे तो शब्द बनेंगे अति प्लस ईव। तो अति में आप देख सकते हैं छोटी ई की मात्रा है और प्लस इस वाले शब्द में छोटी ई है, तो ये इसमें की छोटी ई प्लस ई दोनों मिलकर के यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो गई है यानी दीर्घ हो गया, तो शब्द बना अतीव। निष्ट शब्द है कविंद्र। तो कविंद्र में कवि प्लस इंद्र संधि विच्छेद के बाद ये दोनों शब्द बनेंगे। तो कवि में छोटी ई की मात्रा है और इंद्र में छोटी ई है, तो ई प्लस ई दोनों ई छोटी ई मिलकर के बड़ी ई यहाँ दीर्घ हो गए हैं, यहाँ शब्द बना कविंद्र। अब निष्ट शब्द है अभिष्ट।
अभिष्ट शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेंगे अभि प्लस इष्ट। तो अभि में आप देख सकते हैं छोटी ई की मात्रा है, प्लस इष्ट में छोटी ई है, तो इसमें दोनों छोटी ई मिल करके यहाँ पे बड़ी ई हो गई, दीर्घ हो गया। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, तो इस तरह से शब्द बनेगा अभिष्ट। नेक्स्ट शब्द है हरिक्षा। हरिक्षा शब्द है तो इसमें जब संधि विच्छेद हुआ तो शब्द बना हरि प्लस इक्षा। तो हरि में र पे छोटी ई की मात्रा है और इक्षा में छोटी ई है, तो इस तरह से दोनों छोटी ई मिलकर के यहाँ पे बड़ी ई यानी दीर्घ हो गया, तो शब्द बना हरिक्षा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे स्टूडेंट, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई होगा, यानी पहले जो शब्द है उस शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा होगी और दूसरे वाले शब्द के शुरुआत में ही छोटी ई होगा। इस तरह से एक बड़ी एक छोटी ई दोनों मिलकर दीर्घ होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। शब्द है महेंद्र। तो महेंद्र शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे शब्द बनेंगे मही प्लस इंद्र। तो आप देख सकते हैं मही में बड़ी ई की मात्रा लगी है, प्लस इंद्र में छोटी ई है, तो इस तरह से बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई ही बनेंगे, तो शब्द होगा महेंद्र। उसी तरह से नारेंद्र में भी यही है, लक्ष्मीक्षा में भी यही है और सचिंद्र में भी यही है। तो नारेंद्र में नारी प्लस इंद्र शब्द बनेगा, तो नारी में बड़ी ई की मात्रा है, इंद्र में छोटी, इस तरह से बड़ी ई छोटी ई मिलकर शब्द बना नारेंद्र। लक्ष्मीक्षा में लक्ष्मी पे बड़ी ई की मात्रा, इच्छा पे छोटी ई की मात्रा, तो बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके बना लक्ष्मीक्षा, नहीं बड़ी ई हो गया। सचिंद्र में सची पे बड़ी ई की मात्रा, इंद्र पर छोटी ई, तो इस तरह से बड़ी ई प्लस ई मिलकर के शब्द बना सचिंद्र, यानी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में पहले छोटी ई है प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के ही दीर्घ ही बनेगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल है परीक्षा हरीश मुनीश्वर गिरीश। तो इसमें जो है देख लेते हैं, परि प्लस इच्छा, तो परि पे जो है छोटी ई की मात्रा है रापे और इच्छा में बड़ी ई है, इस तरह छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के दीर्घ हुआ, शब्द बना परीक्षा। हरीश शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेंगे हरि प्लस इस, तो हरि में बड़ी ई की छोटी ई की मात्रा है और इस में बड़ी ई, इस तरह से छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के यहाँ पे दीर्घ हुआ, शब्द बना हरीश। अब नेक्स्ट है मुनीश्वर, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा मुनि प्लस ईश्वर, तो मुनि में जो है छोटी ई है और ईश्वर में बड़ी ई, इस तरह से छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएगा, यानी यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, तो शब्द बनेगा मुनीश्वर। नेक्स्ट है गिरीश, तो गिरीश को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेंगे गिरि प्लस ईश, तो गिरि में छोटी ई है और ईश में बड़ी ई है, इस तरह से छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएगा, यानी यह दीर्घ हो जाएगा, तो शब्द बनेगा गिरीश। अब नेक्स्ट एग्जांपल में बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, यानी जो इसका एग्जांपल होगा इसमें जो है पहले वाले शब्द के अंत में बड़ी ई होगी और दूसरे वाले शब्द के शुरुआत में ही बड़ी ई होगी, दोनों बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई ही होगा। इस तरह से इसके एग्जांपल है रजनीश, योगेश्वर, नदीश, सतीश। तो इसमें रजनीश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा रजनी प्लस इस, तो यहाँ पे रजनी में बड़ी ई की मात्रा है, प्लस इस में भी बड़ी ई है, इस तरह से दोनों बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई ही होगा, शब्द होगा रजनीश। योगेश्वर का विच्छेद करने पर दो शब्द बनेंगे योगी प्लस ईश्वर, तो योगी में बड़ी ई है और ईश्वर में भी बड़ी ई है, इस तरह से दोनों बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई ही होगा, तो शब्द बनेगा योगेश्वर। नदीश और सतीश में भी नदी में बड़ी ई है और ईश में बड़ी ई है, उसी तरह सतीश में बड़ी ई है और सती में शब्द में बड़ी ई है और ईश में बड़ी, इस तरह से दोनों बड़ी ई है और मिलकर के पहले में शब्द बना क्रमशः नदीश, दूसरा शब्द बना सतीश, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में स्टूडेंट हम लोग ऊ वाला समझेंगे, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, दो छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ होगा, यानी उसका दीर्घ हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल है गुरुपदेश, लघुत्तरी, शुक्ति, बहुद्देशी। तो गुरुपदेश शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेंगे गुरु प्लस उपदेश, तो गुरु में र पे छोटे ऊ की मात्रा है, प्लस उपदेश में छोटा ऊ है, तो दोनों छोटा ऊ मिलकर के यहाँ पे जो है दीर्घ हो गया, बड़ा हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े ऊ की मात्रा हो गई है, तो शब्द बना गुरुपदेश। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है लघुत्तरी, तो इसका विच्छेद करने पर शब्द बनेगा लघु प्लस उत्तरी, यानी लघु में घ पे छोटे ऊ की मात्रा, उत्तरी शब्द में छोटा ऊ है, तो दोनों छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया, दीर्घ हो गया, तो शब्द बना लघुत्तरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुक्ति, तो सुक्ति शब्द का अगर हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे शब्द बनेंगे सु प्लस उक्ति, तो सु पे छोटे ऊ की मात्रा है, प्लस उक्ति में छोटा ऊ है, तो दोनों छोटा ऊ मिलकर यहाँ दीर्घ हो गया, तो शब्द बना सुक्ति, यानी यहाँ पे बड़ा ऊ बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बहुद्देशी,
उद्देश्य शब्द का विक्षेद करने पर, संधि विक्षेद करने पर शब्द बनेंगे बहु प्लस उद्देशी। तो बहु में छोटे उ की मात्रा है, उद्देशी में छोटा उ, तो ये दोनों छोटा उ मिलके यहाँ पे दीर्घ हो गया, यानी बड़ा उ की मात्रा बन गई, तो शब्द हो गया बहुउद्देशी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में स्टूडेंट हम देखेंगे, एक छोटा उ रहेगा, दूसरा बड़ा उ, ये दोनों मिलकर के ही बड़ा उ बन जाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल है सिंघुर्मी, लघुर्मी, धातुष्मा, साधुर्जा। तो सिंघुर्मी शब्द का विक्षेद करने पर शब्द हमको मिलेंगे सिंधु प्लस उर्मी। तो सिंधु में आप देख सकते हैं छोटे उ की मात्रा है, प्लस उर्मी में बड़ा उ है, यानी छोटा उ प्लस बड़ा उ मिलकर के यहाँ पे बड़ा उ ही होगा, तो शब्द बनेगा सिंधुर्मी। ठीक है, सिंधुर्मी शब्द बनेगा। नेक्स्ट है लघुर्मी। तो लघुर्मी शब्द का विक्षेद करने पर शब्द बनेंगे लघु प्लस उर्मी। तो लघु में घ पे छोटे उ की मात्रा है, प्लस उर्मी में बड़ा उ है, इस तरह से छोटा उ प्लस बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ ही बनेगा, यानी दीर्घ हो जाएगा, तो शब्द बनेगा लघुर्मी। नेक्स्ट शब्द है धातुष्मा। तो धातुष्मा में विक्षेद करने पर हमें शब्द मिलेंगे धातु प्लस उष्मा। तो धातु में त पे छोटे उ की मात्रा है, प्लस उष्मा में बड़ा उ है, इस तरह से छोटा उ प्लस बड़ा उ मिलकर के यहाँ पे दीर्घ हो गया, बड़े उ की मात्रा हो गई, शब्द बना धातुष्मा। नेक्स्ट शब्द है साधुर्जा। साधुर्जा शब्द का विक्षेद करने पर शब्द बनेंगे साधु प्लस ऊर्जा, इस तरह से साधु पे छोटे उ की मात्रा है, प्लस ऊर्जा पे बड़े उ की मात्रा है, तो ये दोनों छोटा उ बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ ही होगा, तो शब्द हो जाएगा साधुर्जा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में बड़ा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ, यानी इस वाले शब्द में आपको बड़े उ मिलेंगे और इधर वाले शब्द के शुरू में आपको छोटा उ मिलेगा, तो ये बड़ा उ प्लस छोटा उ मिलकर के बड़ा उ ही बनेगा। तो एग्जाम्पल है वधोत्सव, भूतसर्ग, भूतधार और वधुर्लेख। तो इसमें वधुत्सव शब्द का अगर हम विक्षेद करेंगे तो शब्द हमको मिलेगा वधु प्लस उत्सव। तो वधु में आप देख सकते हैं बड़े उ की मात्रा है, प्लस उत्सव में छोटा उ है, तो इस तरह से बड़ा उ प्लस छोटा उ मिलकर के शब्द हुआ वधुत्सव। और नेक्स्ट है भूतसर्ग। भूतसर्ग शब्द का अगर हम विक्षेद करेंगे तो हमको शब्द मिलेंगे भू प्लस उत्सर्ग। तो भू में भाव पे छोटे उ बड़े उ की मात्रा है, भाव पे बड़े उ की मात्रा है, प्लस उत्सर्ग में छोटा उ, इस तरह से बड़ा उ प्लस छोटा उ मिलकर के बड़ा उ ही बनेगा, तो शब्द हो जाएगा भूतसर्ग। नेक्स्ट है भूतधार। भूतधार में भाव पे बड़े उ की मात्रा है, प्लस उद्धार में छोटा उ है, तो बड़ा उ प्लस छोटा उ मिलकर के बड़ा उ ही बनेगा, तो शब्द हो जाएगा भूतधार। नेक्स्ट है वधुल्लेख। वधुल्लेख शब्द का विच्छेद करने पर शब्द मिलेगा हमको वधु प्लस उल्लेख। तो वधु में धा पे बड़े उ की मात्रा है और उ छोटा उ इसमें है उल्लेख शब्द में, तो इस तरह से बड़ा उ प्लस छोटा उ बन जाएगा शब्द हमारा वधुल्लेख। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमको बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ, यानी पहले शब्द के अंत में बड़ा उ मिलेगा, दूसरे शब्द के शुरुआत में बड़ा उ मिलेगा, ये दोनों बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ यानी दीर्घ ही होगा, यानी ये दोनों शब्द दीर्घ है, दोनों दीर्घ मिलकर के एक दीर्घ ही होता है। तो इसमें एग्जांपल है भूर्जा, वधुर्जा, भूधर्व, वधुर्मी। तो भूर्जा शब्द का विक्षेद करने पर हमको शब्द प्राप्त हुए भू प्लस ऊर्जा। तो भू में आप देख सकते हैं बड़े बड़ा उ है और ऊर्जा में भी बड़ा उ है, तो ये दोनों बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ ही होगा, तो शब्द हो जाएगा भूर्जा। वधुर्जा शब्द का विक्षेद करने पर शब्द मिला वधु प्लस ऊर्जा। तो वधु में बड़ा उ है और ऊर्जा में भी बड़ा उ है, इस तरह से ये दोनों बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ ही बन गए और शब्द हो जाएगा वधुर्जा। नेक्स्ट है भूधर्व। भूधर्व शब्द का विक्षेद करने पर शब्द प्राप्त हुए भू प्लस उधर्व। तो भू में बड़ा उ है और उधर्व में बड़ा उ है, तो ये दोनों बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ ही बनेंगे, तो शब्द हो जाएगा भूधर्व। नेक्स्ट है वधुर्मी। वधुर्मी शब्द का विक्षेद करने पर हमको शब्द प्राप्त हुए वधु प्लस उर्मी। तो इससे आप देख सकते हैं धा पे बड़ा उ है, उर्मी में बड़ा उ है, इस तरह से बड़ा उ प्लस बड़ा उ दोनों मिलकर के बड़ा उ ही बनेगा, तो हमारे शब्द हो गए वधुर्मी। तो स्टूडेंट आइए, मैंने यहाँ पे दीर्घ संधि को दोबारा से आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीर्घ संधि जो है किन किन शब्दों के बीच होती है, अगर दो छोटा अ आ जाए या फिर छोटा अ प्लस बड़ा अ आ जाए या फिर पहले बड़ा आ आए बाद में छोटा अ आए या फिर दो बड़ा आ आए, यानी किसी भी परिस्थिति में जो है इसका दीर्घ ही होगा। यानी मैंने आपको कहा था ना ह्रस्व स्वर, यानी छोटा अ छोटी ई और जो है कि
छोटी छोटे ऊ के बीच बाद जो है अगर कोई स्वर जो है ह्रस्व आ जाए या फिर दीर्घ आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों ह्रस्व स्वर है और ये दोनों मिलकर के दीर्घ हो गया, और यहाँ पे पहले ह्रस्व है उसके बाद में दीर्घ है, तो ये भी दीर्घ ही बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस के पहले वाले शब्द में जो है दीर्घ है और प्लस के बाद वाले शब्द में ह्रस्व है, तो ये दोनों भी दीर्घ ही बना, और ये दोनों स्वर जो है यहाँ पे दोनों ही दीर्घ है तो इसका भी दीर्घ ही बना। तो इस तरह से क्रमशः जो एग्जाम्पल है, तो इसमें धर्मार्थ, तो धर्मार्थ में अगर हम विक्षेद करेंगे तो धर्म प्लस अर्थ ये शब्द बनेंगे। तो धर्म में जो है पहले वाला जो शब्द धर्म है इसमें म में से छोटा अ निकला, यानी आप सभी को पता है व्यंजन जितने भी व्यंजन वर्ड होते हैं शब्द होते हैं अक्षर होते हैं सॉरी शब्द नहीं अक्षर होते हैं, उन सभी अक्षरों या वर्णों में छोटा अ मिश्रित होता है मिला होता है। तो इसी तरह से म में से छोटा अ निकला प्लस अर्थ में जो है छोटा अ, इस तरह से ये दोनों छोटा आ जो है आ हो गए यानी दीर्घ हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मार्थ में आ की मात्रा हो गई। अब नेक्स्ट हमारे एग्जांपल में है छोटा आ प्लस बड़ा आ, तो शब्द है दशानन, दशानन को विच्छेद हमने किया तो शब्द हमको प्राप्त हुए दस प्लस आनंद, तो दस में स में छोटा आ है प्लस आनंद में आ है बड़ा आ, यानी इस तरह से हर्षव प्लस दीर्घ मिलके बड़ा आ हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है दीक्षांत, तो दीक्षांत का विक्षेद किया तो शब्द प्राप्त हुए दीक्षा प्लस अंत, तो दीक्षा में छ पे जो है बड़ा आ है यानी ये दीर्घ है प्लस अंत में से छोटा आ, तो इस तरह से बड़ा आ प्लस छोटा आ ये भी बड़ा आ ही बनेगा यानी दीर्घ ही बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है महाशय, महाशय में संधि करने के बाद हमको शब्द प्राप्त हुए महा प्लस आशय, तो इस तरह से महा में भी आ है यानी बड़ा आ है और आशय में भी बड़ा आ, यानी दोनों बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके दीर्घ ही बनेंगे। तो इस तरह से ये जो अ वाले दीर्घ संधि कैसे बनते हैं ये पूरा नियम यहाँ पे है। अब आगे हम ई वाली संधि को देख लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जो है ह्रस्व है यानी दोनों छोटी ई है, इसको मिलाने से भी बड़ी ई बन गई। पहले जो है दीर्घ ई है उसके बाद ह्रस्व ई है, यानी पहले बड़ी ई है फिर छोटी, इसको मिलाने से भी बड़ी ई बनी है। फिर इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट है पहले ह्रस्व यानी छोटी ई है उसके बाद दीर्घ यानी बड़ी ई है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिला के भी बड़ी ई ही बना। और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाले में दोनों में दीर्घ ई है यानी दोनों में बड़ी ई है, इससे भी बड़ी ई ही बनेगा। इसका एग्जाम्पल है क्रमशः कविंद्र, महेंद्र, परीक्षा, रजनीश। तो कविंद्र शब्द को हमने विक्षेद किया तो शब्द प्राप्त हुए कवि प्लस इंद्र, तो कवि पे छोटी ई है प्लस इंद्र पे भी छोटी है, दोनों ई मिल करके बड़ी ई हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कविंद्र पे बड़ी ई की मात्रा दीर्घ हो गया। नेक्स्ट है महेंद्र, तो महेंद्र को हमने विक्षेद किया तो शब्द प्राप्त हुए मही प्लस इंद्र, तो यहाँ पे मही में भी छोटी ई है सॉरी बड़ी ई है बच्चों, यहाँ पे महेंद्र शब्द में बड़ी ई है और इंद्र में छोटी ई है। इस तरह से बड़ी ई प्लस छोटी ई शब्द भी बनेंगे बड़ी ई यानी दीर्घ ही बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल परीक्षा, परीक्षा एग्जाम्पल पे हमने इसको विक्षेद किया तो प्राप्त शब्द हुए हमको परी प्लस शिक्षा, तो परी में छोटी ई है रापे और इक्षा में बड़ी, इस तरह से छोटी ई प्लस बड़ी ई ये भी दीर्घ ही हो गया यानी बड़ी ई हो गया। रजनीश शब्द का विक्षेद करने पर शब्द प्राप्त हुए रजनी प्लस इस, तो रजनी पे भी बड़ी ई की मात्रा है और इस में भी बड़ी, इस तरह से ये दोनों बड़ी ई मिल करके बड़ी ई हुआ यानी दीर्घ हो गया, तो शब्द हुआ रजनीश। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ऊ का देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो है इस नियम में दो छोटे ऊ मिलकर के दीर्घ यानी बड़ा ऊ बनेगा, एक ह्रस्व ऊ यानी छोटा ऊ दूसरा दीर्घ यानी बड़ा ऊ, ये दोनों छोटे बड़े ऊ मिलकर के बड़े ऊ ही बनेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ यानी ह्रस्व दीर्घ बड़ा दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ यानी दीर्घ ही बनेगा। अब दोनों बड़े ऊ यानी दोनों दीर्घ ऊ मिलकर के दीर्घ यानी बड़ा ऊ ही बनेगा। एग्जाम्पल है क्रमशः लघु उपदेश, लघुर्मी, वधुत्सव, भूर्जा। तो गुरुपदेश शब्द का हमने विक्षेद किया तो शब्द प्राप्त हुए गुरु प्लस उपदेश, तो गुरु शब्द आप देख सकते हैं छोटे ऊ की मात्रा है प्लस उपदेश में छोटा, इस तरह से दोनों छोटे ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे दीर्घ हो गया, शब्द हो गया गुरुपदेश। निष्ठ शब्द है लघुर्मी, तो लघुर्मी शब्द को हमने विक्षेद किया तो शब्द प्राप्त हुए लघु प्लस उर्मी, तो लघु में घ पे आप देख सकते हैं छोटे ऊ की मात्रा प्लस उर्मी में बड़ा ऊ, इस तरह से छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ ही बना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ा ऊ हो गया, ये दीर्घ हो गया तो शब्द हुआ लघुर्मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल वधुत्सव, वधुत्सव शब्द में वधु प्लस उत्सव, ये एग्जाम्पल ये हमको शब्द प्राप्त होंगे विक्षेद करने के बाद, तो वधु में बड़ा ऊ है प्लस उत्सव में छोटा ऊ, इस तरह से बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ ये भी बड़ा ऊ ही बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वधुत्सव में बड़ा ऊ ही है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है भूर्जा, भूर्जा शब्द को हमने विक्षेद किया तो शब्द प्राप्त हुए भू प्लस ऊर्जा,
तो भा पे भी बड़े ऊ की मात्रा, ऊर्जा पे भी बड़ा ऊ है, यानी यहाँ पे दोनों दीर्घ ऊ है, तो दोनों बड़े ऊ है यानी दीर्घ है, तो यहाँ पे इन दोनों दीर्घ का दीर्घ ही होगा यानी बड़ा ऊ ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भुर्जा पे बड़े ऊ की मात्रा है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने आपको क्रमशः अ के साथ कैसे कैसे दीर्घ होगा, छोटी ई के साथ कैसे होगा, बड़े ऊ के छोटे ऊ के साथ बड़े ऊ को मिलाने से कैसे दीर्घ स्वर बनते हैं, हमने आपको पूरा बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस दिन आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।